वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। धन्यवाद संजय जी, आप सबका भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारने के लिए धन्यवाद। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर है। वैसे तो देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, सभी मुद्दों पर पार्टी बोलेगी, मगर जिस मुद्दे पर एक भ्रामक स्थिति पूरे विश्व में हिंदुस्तान को लेकर फैलाने की कोशिश की गई है और खास करके कोविड को लेकर जिस प्रकार का एक माहौल डेथ नंबर्स को लेकर हिंदुस्तान के लिए बनाया गया है, पहले मैं उस विषय को लेकर आपके सामने कुछ तथ्य रखने का प्रयास करूंगा। मुझे दुख इस बात का होता है कि जहां तक WHO का विषय है, जहां तक कोविड की लड़ाई का विषय है, पूरा विश्व मानता है कि भारतवर्ष ने, हिंदुस्तान ने, इंडिया ने जिस प्रकार की लड़ाई कोविड के खिलाफ लड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो अद्भुत और अद्वितीय था। वो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल था। एक भी मृत्यु होती है तो वो दुखद होता है, एक भी मृत्यु होती है तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो मृत्यु के ऊपर लड़ना, मृत्यु के आंकड़ों के ऊपर राजनीति होना, इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता है। इतना बृहद देश, सच अ ह्यूज कंट्री, लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, देश की जनसंख्या को देखिए, देश की स्थिति को देखिए, उसके बावजूद जो डेवलप्ड नेशन है उनसे भी बढ़कर के भारतवर्ष ने ये युद्ध लड़ा है कोरोना के खिलाफ। वैक्सीनेशन ड्राइव को देखिए तो एक इतिहास भारत आज रचता हुआ नजर आ रहा है। दुखद है कि उन नतीजों को लेकर, उन आंकड़ों को लेकर, WHO को आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू ट्वीट, उन्होंने राजनीति की। राहुल गांधी जी कहते हैं साइंस डजंट लाई, मोदी डज। मोदी जी को नीचा दिखाने का ये जो प्रयास राहुल गांधी का है, ये कोई आज का नहीं है। 2014 से ही निरंतर मोदी जी को नीचे दिखाने के प्रयास में, हमेशा भारतवर्ष को नीचे दिखाने में राहुल गांधी सफल रहे, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का विषय हो, चाहे अन्य महत्वपूर्ण विषय हो, सभी विषयों पर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने समय समय पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर आक्रमण करते हुए भारत को नीचा दिखाया है, यह बहुत ही दुखद है। वी डिड नॉट वॉन्ट टू हैव अ डिस्टिंक्शन बिटवीन बीजेपी एंड नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स। ये बीजेपी के राज्य हैं, इनमें कितनी मृत्यु दर रही, ये नॉन बीजेपी के राज्य हैं, इनमें कितनी संख्या रही, इस प्रकार का लड़ाई नहीं होना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर, इंडिया एज अ वन यूनिट फॉट अगेंस्ट कोविड, और हम जीते भी। मगर राहुल गांधी वही राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से कहूंगा कि फॉर गॉड्स सेक डोंट डीमोरलाइज, आप भारतवर्ष को डीमोरलाइज मत करिए। जहां तक WHO का संबंध है, मैं आज तकनीकी रूप से कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय भारतीय जनता पार्टी के पटल से आपके सामने और विश्व के सामने रखना चाहता हूं। यह विषय केवल हमारे देश का नहीं है, यह विश्व के सामने भी हम सत्य रखना चाहते हैं। चार महत्वपूर्ण ऐसे कदम हैं जिनको लेकर हमें लगता है WHO ने जो डाटा रिलीज किया है वो गलत है। नंबर एक, फ्लॉड मेथोडोलॉजी। WHO ने जो मेथोडोलॉजी अर्थात जिस प्रकार के तरीके को अपनाया है वो गलत है। दूसरा, इनएक्यूरेसी इन सोर्सिंग ऑफ डाटा। ये जो सोर्स ऑफ डाटा होता है उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और WHO ने खुद माना है कि अनवेरिफाइड सोर्सेस से उन्होंने डेटा इकट्ठा किया है। तीसरा विषय है इनकंसिस्टेंसीज इन क्राइटेरिया। किन क्राइटेरियाज के आधार पर भारतवर्ष को Tier 2 देश में रखा गया है, यह भी सटीक रूप से पता नहीं चलता है। और अंत में यूज ऑफ अजम्पशंस अर्थात काल्पनिक तरीके से डेटा का मंथन करना और भारतवर्ष को Tier 2 देश में रखना, इन सब विषयों पर भारतवर्ष ने समय समय पर WHO से वार्तालाप किया है और अपने अपने विषय को बताया है कि हम इससे सहमत नहीं है, हम असहमत हैं। आप याद रखिए, जहां तक WHO की मेथोडोलॉजी है, दैट वॉज द मैथमेटिकल मॉड्यूल। ये जो मैथमेटिकल मॉडल है
उसके आधार पर WHO ने कैलकुलेशन किया है। भारतवर्ष ने समय समय पर कहा है कि हम इस मैथमेटिकल मॉडल को मानते नहीं है, ये जो गणित के आधार पर आपने ये डेटा दिया है हम इस पर विश्वास नहीं रखते हैं, हम इसे मानते नहीं है। सबसे बड़ी बात है बंधुवर कि भारतवर्ष में मृत्यु और जन्म, बर्थ एंड डेथ, इसके रजिस्ट्रेशन को, इसके पंजीकरण को लेकर एक बहुत रोबस्ट सिस्टम प्लेस में है। अ वेरी रोबस्ट सिस्टम इज इन प्लेस एज फार एज द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इज कंसर्न थ्रू द CRS, दैट इज द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और ये 1969 के आप से चल रहा है, एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है। और इसमें आप देखिएगा कि जो भी पंजीकरण होना है 2016 के बाद, जिस प्रकार से ये पंजीकरण इजाफा हुआ है, खास करके मृत्यु दर आप देखिएगा, इसमें बिल्कुल सटीक संख्या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आज रख पा रही है। इसलिए एक रोबोट सिस्टम के होने के बावजूद एक दूसरे मॉडल से कैलकुलेशन WHO करती है, ये उचित नहीं है। ये जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, इसे बताना बहुत अनिवार्य है कि इट इज असिस्टेड बाय द चीफ रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हर राज्य में, हर यूनियन टेरिटरीज में उनके अपने रजिस्ट्रार के ऑफिस हैं और ये सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज रजिस्ट्रार असिस्ट करते हैं। और पूरे देश में ऐसे 300,000 रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार्स हैं जो इस पूरे प्रकरण में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की मदद करते हैं। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बृहद सिस्टम है। और आप याद रखिए, मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, अल्टीमेटली द नेशनल डेटा दैट कम्स, ये जो डेटा हम राष्ट्रीय स्तर पर रखते हैं, RGI रखती है, ये राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के रिपोर्ट्स जो सबमिट होते हैं उनके आधार पर होते हैं। तो ये एक तरफा नहीं होते, हर राज्य के रिपोर्ट के आधार पर होते हैं। और जो नेशनल रिपोर्ट है, 2019 का नेशनल रिपोर्ट जून 2021 में पब्लिश हुआ था और 2020 का नेशनल रिपोर्ट 3 मई 2022 को पब्लिश हुआ था। इतने डाटा को नहीं मान के WHO अपना डाटा बनाती है, WHO अपने मॉडल को लाने का प्रयास करती है। मुझे लगता है इस पर बहुत भारत सरकार ने आपत्ति भी जताया, किंतु WHO ने इस पर अभी किसी प्रकार से कोई टिप्पणी नहीं की है। एक विषय आप सबने पढ़ा होगा, WHO ने खुद कहा है कि वी हैव रिलाइड ऑन, जहां तक 17 राज्यों का विषय है, 17 states, भारतवर्ष में 17 राज्यों को लेकर WHO खुद मानती है कि वी हैव रिलाइड ऑन सम वेबसाइट्स एंड मीडिया रिपोर्ट्स। ये जो डेटा है उन्होंने कुछ वेबसाइट से लिया है और कुछ मीडिया रिपोर्ट से लिया है। आप सोचिए, जहां भारतवर्ष में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, इतना रोबोट सिस्टम है, उसको छोड़ करके आप मीडिया रिपोर्ट से डेटा लेते हैं और वेबसाइट से रिपोर्ट लेते हैं, क्या ये ऑथेंटिक है? इज दिस ऑथेंटिक? दूसरा बड़ा विषय है, खुद WHO मानती है कि भारतवर्ष को उन्होंने Tier 2 कंट्री में रखा है। मतलब प्रथम स्तर का देश अलग है, हम द्वितीय स्तर के देश हैं। भारत सरकार ने कई बार पूछा है WHO से, आखिर भारत Tier 2 कंट्री क्यों है? हमारे पास एक रोबोट सिस्टम है रजिस्ट्रेशन का, कोई आज का नहीं है, जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी ये सिस्टम प्लेस में था। उसके बावजूद आपने आर्बिटरीली जो क्राइटेरिया आपने Tier 2 में रखने के लिए बनाया है, दैट इज इनअक्यूरेट एंड इनकंसिस्टेंट। एक इनकंसिस्टेंट और एक काल्पनिक, एक अजम्पशन के आधार पर आपने भारतवर्ष को Tier 2 में रखा है। भारतवर्ष इसको अपना अपमान मानती है और भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह उचित नहीं है। इसका भी कोई कम्युनिकेशन भारतवर्ष को नहीं मिला है। तीसरी बात है, आपको जान के आश्चर्य होगा, इंडिया इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, कोई छोटा सा देश नहीं है। इंडिया में एक होमोजेनिटी नहीं है कि सारे पॉपुलेशन एक जैसे होंगे, सारे राज्य एक जैसे काम करेंगे। और जो कोरोना पॉजिटिविटी रेट है, ये पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में, सभी राज्यों में एक ही पॉजिटिविटी रेट होगी, ऐसा संभव नहीं है। ज्योग्राफिकल वेरिएशंस होंगे, स्पेस एंड टाइम वेरिएशंस होंगे, उसके बावजूद WHO ने एक यूनिफॉर्मिटी के साथ पूरे देश पर एक ही पॉजिटिविटी रेट लगाया है, जो कि छोटे देशों के लिए और छोटे स्थानों के लिए तो हो सकता है, मगर भारतवर्ष जैसे 1.3 बिलियन वाली कंट्री के लिए, जहां 135 करोड़ देशवासी हो, वहां एक ही यूनिफॉर्मिटी के साथ आप क्राइटेरिया लगाएं, ये उचित नहीं है। भारतवर्ष ने अपने
कम्युनिकेशंस में स्पष्ट रूप से लिखा है, वन साइज फिट ऑल, एक ही साइज सबके लिए लगेगा, यह फॉर्मूला भारतवर्ष के लिए सटीक नहीं बैठ सकता। एक्सट्रापोलेशन ऑफ डाटा, छोटे से डाटा को लेकर आप पूरे हिंदुस्तान के लिए एक्सट्रापोलेट कर दे, यह भारतवर्ष के लिए हो नहीं सकता है। आपको आश्चर्य होगा कि WHO ने जो कैलकुलेशन किया है इस मॉडल में, एक बहुत सारे आयाम है, एक आयाम में बताता हूं जिसमें उन्होंने डेथ रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर गर्मी ज्यादा होगी तो डेथ रेट कम होगा, गर्मी कम होगी, जिन स्थानों पे गर्मी कम है वहां डेथ रेट ज्यादा है। इस प्रकार का कैलकुलेशन इस मॉडल में WHO ने किया है। आप खुद बताइए, मॉडल ने तो कैलकुलेशन किया है मगर WHO ने खुद अपने आप इस विषय को अभी तक सब्सटेंशिएट नहीं किया है कि कोविड डेथ हैज समथिंग टू डू विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ, बाह्य टेम्परेचर के साथ, तापमान के साथ कोविड डेथ का कुछ लेना देना है, इसने इस विषय को लेकर WHO ने खुद प्रतिपादित नहीं किया है, किंतु इस रिपोर्ट में डेथ रेट कैलकुलेशन ये करती है। देखिए, अंत में इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि एक राजनीतिक विषय नहीं है, यह हिंदुस्तान के गरिमा का विषय है। भारतवर्ष ने जिस प्रकार से यह लड़ाई लड़ी कोविड के खिलाफ, जिस प्रकार से हम कोविड को हराने में सक्षम हुए हैं, जिस प्रकार से एक वैक्सीनेशन सिस्टम चल रहा है, भारतवर्ष में एक रोबोस्ट जनगणना, रजिस्ट्री ऑफ डेथ एंड बर्थ, इस सब का एक रोबोस्ट सिस्टम है। उस सिस्टम से बाहर जाके हम अनकन्फर्म सोर्सेस से डेटा लें और एक मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर डेटा एक्सट्रापोलेट करके आंकड़ों का हेरफेर करें, यह उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो कॉम्पेंसेशन सरकार ने घोषणा की, उस कॉम्पेंसेशन को मांगने के लिए भी इतने लोग नहीं आए जितनी संख्या WHO ने बताया है। अर्थात किसी की मृत्यु हुई है, भारत सरकार ने कॉम्पेंसेशन घोषणा की है, तो कॉम्पेंसेशन मांगने के लिए तो आवश्यक रूप से जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार के लोग आएंगे, मगर वह संख्या भी कम है बनिस्बत जो WHO ने बताया है। This shows the flawed methodology of calculation of the death in India by WHO. But more than that, it's a sad situation that certain political parties in India, particularly Rahul Gandhi, is trying to play politics over this. मैं इतना ही कहूंगा, WHO का डेटा गलत है और कांग्रेस का बेटा गलत है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा पार्टी बाकी सभी विषयों पे अपने विषय को रखेगी। इसी पे एक सवाल है कि कांग्रेस का कहना है कि आप लोगों ने आंकड़े जो बच गए हैं, इस वजह से WHO जो आंकड़े लेकर आया है वो और लैंसेट दोनों साबित करते हैं कि आंकड़े बहुत ज्यादा थे, भारत सरकार छुपाती है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ये नासमझी का दूसरा नाम है। ये किसी विषय को समझने का प्रयास नहीं करती है, जबकि हमारे सरकार ने इन सभी विषयों पे अपने जवाब को दिया है। राहुल गांधी आंख बंद करके कहीं मौका मिले तो मोदी जी को कोसना, भारत के सरकार के खिलाफ बोलना। एक पॉइंट ऐसा भी था जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, इंडिया इज नो मोर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, उनके हिसाब से तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री ही नहीं है। मगर आज मैंने तथ्यों के माध्यम से राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी आप इतना बताइए, क्या महाराष्ट्र, केरल इन्होंने गलत डाटा दिए? ये बीजेपी नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स, इसके आधार पर राजनीति मत करिए। भारत एक है, एक रहेगा और एक होकर हम लड़ेंगे। मोहित जी, ये गंभीर मसला है और पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है। तुरंत मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी इस विषय को भी यही इसी मंच से संबोधित करेगी। ऑल दोज इश्यूज वुड बी एड्रेस्ड बाय द पार्टी। दिस वाज अ नेशनल एज वेल एज एन इंटरनेशनल इश्यू व्हिच वी हैव एड्रेस्ड। प्लीज वेट फॉर द अदर स्पोक्सपर्सन्स टू जॉइन यू। थैंक यू सो मच।